कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। जब मैं पहली बार ट्रेनिंग्स के दौरान अपने मैंने किचन में एंटर किया तो मेरे को दिखा कई नई टाइप की वेजिटेबल्स, कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि टिन में थे, बोटल्स में थे। खाने को उनका दिल करता था हमें, पर खा नहीं सकते थे क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान थे। डर लगता था कि कोई कहीं हमें टोक ना दे, मना कर ना कर दे कि आप लोग ये क्यों खा रहे हो। एक दिन मुझे मौका मिला, मुझे 2-3 ही दिन हुए थे ट्रेनिंग्स पे गए हुए, मुझे फ्रिज के अंदर मैं गया, मैंने देखा कि एक बाउल के अंदर ढेर सारे अंगूर पड़े हैं। हम मैंने हरे वाले अंगूर खाए थे, पर मैंने कभी भी जो ब्लैक ब्लैक ग्रेप्स जिन हम लोग बोलते हैं वो नहीं खाए थे। मैंने भी मुट्ठी भरा और मुंह में डाल दिया। जब मैंने डाला अपने मुंह में तब मुझे एहसास हुआ ये अंगूर नहीं, ये कुछ और थे। एक्चुअली में वो हमारे हमारे ब्लैक ऑलिव्स थे जिन्हें कि मैंने गलती से खा लिया था। आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ होंगी, जब भी हम लोग पहली बार ट्रेनिंग्स के दौरान जाते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर होता है, चाहे ऐसे हो या किसी और तरीके से हो। तो आज मैं आपको जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, मैं आज ऐसी आपको 15 वेजिटेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट्स को जानी जरूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में या कॉलेज में ये सारी वेजिटेबल्स नहीं आती हैं, आए ना आए पर आप लोगों को इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए, और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना, बेल आइकन आपको प्रेस करना ही होगा, तभी जो नई वाली वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो हम जो सबसे पहली जो वेजिटेबल ले रहा हूँ वो है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली आप बड़ी ही कॉमन है, आप लोगों ने देखी होगी इसे, हम लोग एक हरी वाली हम लोग फूल गोभी भी बोल सकते हैं। ये जब भी आप इसे बॉईल करें आपको जो पानी है उसके अंदर नमक डालना है, आपको इसको ढक के कुक नहीं करना है, और जब ये कुक हो जाए तो आपको इसको आइस वाले पानी में डालना है। आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा आगे आने वाली सारी जो वेजिटेबल्स हैं जो भी अगर ग्रीन है आपको उनको हमेशा सेम ट्रीटमेंट ही देना है। आपको इस बात को अपने गांठ बांध के रख लेना है ताकि आप आगे कभी भी कुकिंग की जो आपका प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें कभी भी फेल ना हो। जो दूसरी हमारी वेजिटेबल्स है वो है हमारी एस्पैरेगस। एस्पैरेगस हमारी बीन्स के टाइप की होती है, इसके ऊपर से टिप होता है, नीचे पूरी टेल होती है। ये वाइट और ग्रीन दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल में दोनों होते एक ही हैं, पर जब हम लोग ग्रो करते हैं एस्पैरेगस को तो उनको हम लोग ऊपर शेड या छत लगा देते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की सूरज की किरणें नहीं पड़ने देते और ये हो जाते हैं सफ़ेद। जी हाँ, दोनों एक ही होते हैं पर वो बिना धूप के कारण सफ़ेद हो जाते हैं और इनको हम लोग व्हाइट एस्पैरेगस बोलते हैं। तीसरा है वो है हमारा बसल स्प्राउट। जैसे हमारी बड़ी वाली बंद गोभी होती है, बिल्कुल छोटी बंद गोभी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं बसल स्प्राउट। आप इसे ब्लांच करके, सौते करके, ग्रिल करके या रोस्ट करके कैसे भी खा सकते हैं। जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है हमारी आर्टिचोक। आर्टिचोक हमारे जैसे कमल का फूल होता है सेम वैसे ही होता है। इंडिया में मैंने कभी भी आर्टिचोक फ्रेश नहीं देखा है, हमेशा हम इसे टिन में इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लीज़ आप में से किसी ने इसे देखा हो तो मुझे पिक्चर फोटो खींच के व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी तक आर्टिचोक फ्रेश पहुँचा है या नहीं। नेक्स्ट वेजिटेबल हम लोग ले रहे हैं स्नो पीस। जिस प्रकार से हमारे मटर होते हैं सेम ये उसी प्रकार से हमारे स्नो पीस भी होते हैं, पर इनके अंदर मटर बिल्कुल नहीं होते, दाने बिल्कुल नहीं होते, ये बिल्कुल जो इनके बाहर के जो जो त्वचा बोल लीजिए या जो स्किन बोल लीजिए बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। इसे भी हम लोग ब्लांच करके खाते हैं या हम लोग इसको ग्रिल या सौते करके भी खा सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारी जुकनी। जुकनी ये हमारी ग्रीन और हमारी येलो, पीली और हरी होती है, बड़ी ही कॉमन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, ज़्यादा इनके बारे में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा है हमारा, इसके बाद हमारा है बेबी बेबी कैरेट। बड़ी वाली कैरेट का छोटा ही हूबहू छोटा रूप होते हैं, इन्हें भी हम लोग छिलते हैं अच्छे से, बिल्कुल छोटे होते हैं, ये प्लेटिंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लोग इनको ब्लांच करते हैं, सौते, ग्रिल कैसे भी करते हैं, पर ये अब इनको हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी यूज़ करें ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छी और सुंदर लगती हैं और हमारी प्लेटिंग को चार चांद लगा देती हैं। इसके बाद है हमारे मशरूम। मशरूम्स कई प्रकार के होते हैं हमारे, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। और मशरूम हमारे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है और वेजिटेरियन के लिए तो बिल्कुल ही आप सोना बोल दीजिए इनको, जो कि अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, आप मच्छी मांस नहीं खाते तो इसे ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। इसके बाद है हमारे सैलरी। सैलरी हमेशा हम एक एज अ सपोर्टिव रोल के रूप में यूज़ करते हैं। जब भी आप स्टॉक्स बना रहे हैं, आप लोग सूप बना रहे हैं, आप कोई भी आइटम रोस्ट कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसे हम लोग मीरपुआ या भुके गाड़ी में यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारे लीक्स। लीक्स भी हमारे एक अनियन फैमिली का ही हमारे एक आप वेजिटेबल बोल सकते हैं। हम डायरेक्ट इसे कुक नहीं करते हैं, इसे भी हम लोग सूप में, स्टॉक में या हम लोग रोस्टिंग में यूज़ करते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लीक्स, सेलरी और पार्सली, ये तीन बहुत ही ज़्यादा हमारे आप बैकबोन लगा लीजिए हमारे कॉन्टिनेंटल फूड के।
इसके बाद है हमारे चेरी टमाटोज। जिस प्रकार से हमारे बड़े टमाटोज होते हैं वैसे हमारे छोटे छोटे चेरी टमाटोज भी होते हैं। ये भी हम लोग एज अ गार्निश सैलेड ग्रिल करके रोस्ट करके हम लोग खा सकते हैं। पर इनका हम मेनली कभी भी इंडियन कुकिंग में यूज़ नहीं करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम लोग इसे ग्रेवी बनाएंगे, जी नहीं, इनकी खूबसूरती के कारण, इनके जो छोटापन होता है इनके कारण ही इनको इसी रूप में लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। इसके बाद है हमारे नेक्स्ट सैलड्स। जिस प्रकार से हमारा प्याज बड़ा प्याज होता है, बिल्कुल छोटे हमारे अनियन होते हैं जिनको कि हम लोग सैलेड्स अनियन कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसे हम लोग सॉस वाली अनियन भी कहते हैं, और फ्रेंच कुकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी है, अगर आपके पास है तो इसे प्लीज़ बड़े ध्यान से संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये सोने के रूप में आप लोग इसको रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे बेबी कॉर्न। जैसे हमारे बड़े वाले भुट्टे होते हैं उसी प्रकार के हमारे छोटे छोटे कॉर्न्स आते हैं जिनको कि हम लोग बेबी कॉर्न बोलते हैं। चाइनीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके हमारे टिन में भी आते हैं, ये हमारे फ्रेश भी आते हैं, आप इनका भी सौते ग्रिल जिस प्रकार से चाहे यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी वेजिटेबल है वो है हमारे अवोकाडो। अवोकाडो भी बड़े ही कॉमन है, आप लोगों ने सब ने इसके बारे में सुना ही होगा। और अवोकाडो का मैक्सिकन कुकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट है। और इसकी जो मेक डिश बनती है उसको हम लोग बोलते हैं गोकामोले। ये रेडीमेड बोटल्स में भी आती है और आप इसको बना भी सकते हैं। जो ना लास्ट हमारी जो वेजिटेबल है वो है हमारी पार्सले। पार्सले हमारे, आप बोल सकते हो कि हमारे कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल में धनिया। जी हाँ, ये आपका हर जगह आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, आप इसकी गार्निश करते हो, आप इसकी जो डंडिया है उसको सूप स्टॉक्स या रोस्ट करने में यूज़ करते हो, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन में। तो मैंने आपको लगभग ये 15 वेजिटेबल्स आपको बता दी है। इसके अलावा भी कई सारी वेजिटेबल्स हैं, अगर आपने वो देखी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे बताइए आपने और कौन सी वेजिटेबल देखी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है एक नई वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने का और अपलोड करने का। फिर भी कुछ भी रह जाता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उन पर नई वाली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। शेयर कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।